राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। रिम्स में व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर भाजपा के कार्यकर्ता रिम निदेशक को बंधक बनाएंगे। रिम्स की दुर्दशा में सुधार लाने के लिए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने रिम्स को भ्रष्टाचारियों का ऐसगाह करार दिया है। इसके महामंत्री एवं सांसद कार्यालय मंत्री हेमंत दास जी, राष्ट्रीय जयंती जी, प्रदेश के अन्य पदाधिकारी और राज्यसभा के सांसद भाई आदित्य साहू जी, मैं आज की स्थिति के बारे में बता रहा हूं कि रिम्स प्रबंधन की स्थिति बहुत दयनीय है। दयनीय इसलिए है कि यहां पर कमीशन का खेला हो रहा है, पैसे का वारा-नवारा हो रहा है। कोई भी काम होता है तो पैसे का यहां पर खेल होता है, जिसके कारण यहां का जो मानकता था, जो स्टैंडर्ड था, वो उसमें काफ़ी गिरावट आई है और जनता का भी अस्पताल के प्रति विश्वास और भरोसा टूटने लग रहा है। यहाँ के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र में राज का वो किसी भी क्षेत्र में वो गंभीर नहीं है, जिसका परिणाम है कि हर क्षेत्र में गिरावट आ रहा है। लेकिन आज इलाज नहीं हो रहा है, इलाज के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है। वैसी स्थिति में इस रिम्स को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तो रिम्स को बर्बाद होते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती। अखबार की चाहती है कि यह रिम्स लोगों का इलाज करने में सक्षम हो, घंटों लग जाएंगे, बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा हो, यहाँ पर अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और फिर आगे दूसरी रणनीति बनाने के लिए बात होगी। रिम्स की व्यवस्था सुधारने में बहुत सारी बाधाएं हैं। यहाँ के मैनेजमेंट की व्यवस्था फेल है, बाहर से ला के अधीक्षक को बैठा देते हैं, जो यहाँ की दर्द से उसको, यहाँ की आबो हवा से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना अधीक्षक गिरी कर रहे हैं, बाहर से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ चले आते हैं। झारखंड के डॉक्टर को यहाँ अधीक्षक बनाया जाए, डॉक्टर के अफसरों को बनाया जाए, तो उसका एक दूसरा रूप रंग होगा। लोगों को इलाज नहीं हो पाता है, बच्चे यहाँ मर जाते हैं और दलालों का ये अड्डा बन के रह गया है, जबकि पूरे झारखंड के लोग इसको आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हम जाएंगे, गरीब ये उम्मीद करके आता है कि हमारा वहाँ इलाज होगा कम पैसा में, लेकिन यहाँ दलाल और ये पूरे प्रशासनिक व्यवस्था इसमें मिली हुई है और ये मिल करके ये गरीबों को लूटने का काम करते हैं और कहते हैं कि बगल में चले जाइए, अस्पताल अच्छे अस्पताल है। बताइए क्या आलम है। और इसमें इसका सारा दोष यहाँ के मुखिया हेमंत सोरेन जी और यहाँ की
रिम्स की प्रशासनिक व्यवस्था की है और ये भारतीय जनता पार्टी सुधार के रहेगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और इस राज्य से इस मुखिया को हेमंत सोरेन को हटा के रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर चुकी है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।